हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पंचम पाठ है, पांचवा पाठ पढ़ेंगे संस्कृत में। इसमें हमें दे रखा है पहेलियों के बारे में दे रखा है, तो हम पहेलियों के बारे में पढ़ेंगे। पहेली काम को न जानाती, यानी कि पहेली को कौन नहीं जानता है। कैवाजन ना कर्ष्यति मनोविनोद कारणी पहेली का, अथवा मनोविनोद करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती। ऐसा खलु मनोरंजन से प्राचीन विद्या वर्तते। देखो इसमें मनोरंजन से, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ऐसा खलु मनोरंजन से प्राचीन विद्या वर्तते, यह ऐसा स्त्रीलिंग के लिए आ गए ना, यह मनोरंजन की प्राचीन विद्या है। पहेलिका प्रहेलिका उक्ति वैचित्र्यम वाक्य ली है इत्यादि है पर्याय शब्दा संति। यानी कि पहेलिका और प्रहेलिका उक्ति वैचित्र्य वाक्यली आदि पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ यानी एक से ज़्यादा जिसके वो हो, नाम हो, पर्यायवाची एक ही चीज़ के तीन चार नाम हो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। प्रायश है विश्वस्य सर्वासु भाषासु पहेलिका प्रचलती। देखो इसमें विश्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया है, सर्वासु भाषासु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। प्रचलती में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन है। अब इसकी हिंदी कर लेते हैं। प्राय विश्व की सभी भाषाओं में पहली चलती है। विश्व की सभी भाषा सर्वासु सभी भाषाओं में पहली चलती है। आंग्ल भाषायां पहेलिकायाः कृते पजल रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग है प्रसिद्ध है। आंग्ल भाषा में यानी कि अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग या प्रसिद्ध है, इत्यादि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। पहेली काम प्रश्न है भौतिक, पहेली में प्रश्न होता है। भौती में भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। पहेली का प्रश्न है भौती, पहेली में प्रश्न होता है। यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेषियम भौती, उस जिसका उत्तर यस्य जिसका अस्य होता है उसके यस्य जिसका उत्तर स्रोत है यानी कि सुनने वाला जो श्रोता होता है वो अन्वेषणम भौती खोजा जाता है। पहेली का द्विविधा भौती, पहेलियों क्योंकि दो प्रकार हैं यानी कि दो विधि हैं या दो प्रकार होती हैं। सव पदोत्तर पहेली का यानी कि सव पदोत्तर पहेली और असव पदोत्तर पहेली का चेती और असव पदोत्तर पहेली। सव पदोत्तर पहेली का पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरम पहेली कायाः पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति। सव पदोत्तर पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर, पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली का में कौन देता है? उत्तर पहेली के पदों में ही कहीं छिपा होता है, कवचित कहीं छिपा होता है। ऐसा पदोत्तर पहेली कायम तो उत्तरम बहिरे और असव पदोत्तर पहेली होती हैं उन पहेलियों में जो उत्तर बाहर ही होता है। पहेली का उत्तर बहिरे बाहर ही होता है, बहिरे बहिर प्लस ए। न तो पदेशु निविष्टम कि पदों में नहीं, पहेली का सु या चमत्कृति है दृश्यते सा कदाचित सलेशियम कालंकार माध्यमेन कदाचित से संधि कदाचित चाहे संधि समासो दि माध्यमेन उत्पादते। अब इसका अंधे अर्थ कर लेते हैं हम कि
अस्वाद पदों तर पहेलियों का उत्तर बार होता है न कि पद में होता है। पहेलियों के पहेलियाँ होती हैं उसमें चमत्कार, पहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देते दृश्यते दिखाई देता है वह कभी श्लेष यमक आदि, श्लेष कभी यमक अलंकार के माध्यम से, माध्यमेन अलंकार के माध्यम से, और कभी संधि समास आदि के माध्यम से, कभी संधि समास आदि के माध्यम से होता है। पहली कहा न केवल मनोविनोदकारी का अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति, पहेलियाँ न केवल मनोविनोद करने वाली होती हैं अपितु बौद्धिक व्यायाम करने वाली भी होती हैं। इयम शाब्दी क्रीड़ा अपि, यह शब्दगत क्रीड़ा भी है, शब्दगत क्रीड़ा भी है, और बौद्धिक क्रीड़ा चापी विद्यते, चापी में चाय प्लस अपि, यहाँ दीर्घ संधि हो रही है, अपितु शब्दगत क्रीड़ा भी है और बौद्धिक क्रीड़ा भी है। संस्कृत काव्य है पहली का परंपराम समृद्धंत संवर्धित, संस्कृत के कवियों में पहली, संस्कृत के कवियों में पहली की परंपरा का संवर्धन किया है, संवर्धन किया है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में, अस्मिन में सप्तमी विभक्ति है, काश्चन प्रसिद्धा पहली कहा विविध बह ग्रंथे बह समाकृष्यते प्रस्तुयन्ते, इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेली, प्रसिद्ध विभिन्न पहेली, पहेलियाँ विभिन्न विद्वे विभिन्न ग्रंथों से, ग्रंथवे ग्रंथों से संकलित करके प्रस्तुतें थी, यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही हैं। आगम्य पठ्याम आस्वादत, आइए हम इसको पढ़ते हैं और इसका स्वाद लेते हैं। ओके स्टूडेंट, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।